ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए कौन सा कैमरा ऐप यूज करें। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चलती रहती है कि यार हम ब्लॉग कौन से कैमरा ऐप से शूट करें जिससे हमारा ब्लॉग जो है अच्छा आउटपुट देखने को मिले, यानी अच्छा शूट हो जाए और देखने पे ऐसा लगे कि हाँ यार औसम सा ब्लॉग शूट हुआ है। तो कौन सा कैमरा ऐप यूज करना है, ठीक है। बहुत से लोगों के पास कैमरा नहीं होता है, वो फ़ोन ही होता है, लेकिन फ़ोन में जो कैमरा होता है उस कैमरे को यूज नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कोई एक अच्छा सा कैमरा ऐप इंस्टॉल करें और उस ऐप के थ्रू हम अपनी वीडियो को शूट करें, क्योंकि उसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा यूज करना। चलिए हम आपको बिना समय का बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आप साइड में देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद से फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर पर जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे कैमरा ऐप, ठीक है। यहाँ पे टाइप करेंगे कैमरा ऐप, सर्च किया हमने, यहाँ पे आपको बहुत सारा कैमरा ऐप दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको जानना है, ना कि कैमरा ऐप के चक्कर में पड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए हम आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहला काम आपको यह करना है फ्रेंड्स कि आपको कोई भी कैमरा ऐप इंस्टॉल करना नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता हूँ, साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद से आपके जो फ़ोन में कैमरा ऐप दिखता है उसी का यूज करना है। अब इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप तो कहेंगे कि यार ये तो हमारा वीडियो सही नहीं आता, इसमें बहुत बेकार आता है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इससे जितना बढ़िया आपका वीडियो क्वालिटी होगा फ्रेंड्स, उतना वीडियो क्वालिटी आप जैसा आप सोच रहे हैं कि हम किसी अदर ऐप को इंस्टॉल करेंगे कैमरा ऐप को और उससे हमारी वीडियो क्वालिटी बहुत ही हैवी आएगी और बहुत ही हाई क्वालिटी की आएगी, मस्त देखने को, नहीं फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। आपको जितना अच्छा आपके इस कैमरे ऐप से आएगा उतना अच्छा उस कैमरे ऐप से नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपने कैमरा ऐप को यूज करना है। देखिए यहाँ पे कैमरा ऐप ओपन हो गया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो पे जाना है और कुछ सेटिंग कर लेनी होती है जिससे आपका वीडियो क्वालिटी मस्त हो जाता है और एडिटिंग करने के बाद आपका वीडियो जो है अच्छा दिखता है। और साइड में बाइक जा रहा है, काफ़ी शोर हो रहा है। यहाँ पे आना है और यहाँ पे सिंपली आपको 1080p पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और 1080p पे सिलेक्ट करने के बाद से फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में देखिए हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक फ्रेम रेट है 25 से 30 FPS पे, तो यहाँ पे हम 60 FPS कर लेंगे। बस ये दो सेटिंग करके अपनी वीडियो शूट करनी है, ना कि हमको कैमरा ऐप के चक्कर में पड़ना है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद है। वीडियो पसंद है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।